तो शाइनीज वेलकम बैक टू माई चैनल दिस वीडियो इज गोइंग टू ऑल अबाउट स्किन बिफोर मेकअप तो ये जो वीडियो होने वाला है ना वो प्रॉपर सारे स्टेप्स के साथ है जो कि आपको करना होता है मेकअप करने से पहले अगर आप एक फ्लॉलेस बेस चाहते हो तो जिसका फर्स्ट स्टेप है क्लीनजिंग ये जो वीडियो है ये प्रॉपर कॉम्बिनेशन टू ड्राई स्किन वालों के लिए ऑयली स्किन वालों के लिए मैं एक अलग वीडियो शूट करूंगी तो आप अगर ड्राई स्किन से कॉम्बिनेशन स्किन वालों वालों में से हो तो आपके लिए भी ये वीडियो है जो पहला स्टेप है उसमें मैंने सर्टफिल का क्लीनजर यूज़ किया है उससे अपने फेस को क्लीन कर लिया दूसरा जो स्टेप है वो मैं यूज कर रही हूँ प्लम का हाइड्रेटिंग रोज वाटर टोनर आपको हाइड्रेटिंग टोनर ही यूज करना है प्योर रोज वाटर नहीं यूज़ करना है जिसमें हाइलरॉनिक एसिड या फिर कोई भी हाइड्रेटिंग टोनर आपको लेना है बिकॉज आपका ड्राई टू कॉम्बिनेशन स्किन है उसके बाद अच्छे से आपको टोनर को पहले ड्राई कर लेना है पूरा ड्राई नहीं करना है थोड़ा सा स्किन पे लाइक टेन परसेंट वो नमी होना चाहिए उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ फेशियल ऑयल ये है लव अर्थ का इससे ना आपके फेस पे बहुत अच्छा हाइड्रेशन और ग्लो आ जाता है एज यू गाइस कैन सी मैंने हाफ साइड में सिर्फ अपने स्किन पर यूज़ किया और कैसे मेरे फेस पर ग्लो आ गया तो ये स्टेप आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है उसके बाद से आपको तीन मिनट तक वेट करना है तीन मिनट से पहले आपको अपने स्किन पर कुछ भी अप्लाई नहीं करना है उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ प्रोस्ट का हाइड्रेटिंग प्राइमर इसकी जो पैकेजिंग है ना वो मुझे थोड़ी सी मैसी लगती है अदरवाइज प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है थोड़ा सा पैकेजिंग ये बेटर कर सकते हैं ट्यूब में ये बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है जब आप डब्बे से इसको निकाल के ना अपने फेस पे लगाते हो तो बहुत ज़्यादा ये वेस्ट भी होता है उसके बाद जो स्टेप है वो है लिप्स को लिप्स को आपको अच्छे से लिप बाम की एक लेयर लगानी है जिससे कि आपके लिप्स जब आप लिपस्टिक लगाओ तो उसे रिमूव करके और फिर लिपस्टिक लगाओ तो आपकी जो लिपस्टिक है वो बिल्कुल भी ड्राई नहीं लगेगी तो ये सारे स्टेप्स है जिप्स जिससे आप अचीव कर सकते हो ग्लोइंग मेकअप ड्राई स्किन पे भी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना